हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, दिस इज क्लास 12th कंप्यूटर साइंस एंड वी आर नाउ गोइंग टू स्टार्ट. वी आर कंटिन्यूइंग आवर लास्ट लास्ट डे टॉपिक एरर एंड आउटपुट फाइंडिंग. वी हैव सॉल्व सम क्वेश्चंस रिलेटेड विद आउटपुट फाइंडिंग, एरर फाइंडिंग. नाउ वी आर कंटिन्यूइंग दिस. Now we will solve some output finding question, and then after, if time permit, we will revise our string topic. So let me start. Good afternoon to all of you. अभी हम अपनी क्लास शुरू करने जा रहे हैं. कल जो क्लास हुई थी कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से पूरी उसमें सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाए थे. एरर फाइंडिंग और आउटपुट फाइंडिंग का टॉपिक शुरू किया था. आज वही टॉपिक हम कंटिन्यू कर रहे हैं और उसमें आउटपुट फाइंडिंग के क्वेश्चन जो कल नहीं हो पाए थे वो क्वेश्चंस आज देखेंगे, और उसके बाद उसी कंटिन्यूशन में हम स्ट्रिंग को रिवाइज करने वाले हैं. ठीक है, तो शुरू करते हैं. एक या दो मिनट का मैं पॉज इसलिए ले रहा हूं ताकि जो भी और कनेक्ट होना है वो स्टूडेंट्स कनेक्ट हो जाएं, और साथ में मैं खुद भी चेक कर लूं अभी ऑडियो और साउंड क्वालिटी ठीक आ रहा है कि नहीं. लेट मी चेक. ओके, यस बेटा. तो अभी आज जो पहला टॉपिक है मेरा आउटपुट फाइंडिंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन इफ एल्स और लूप. वैसे आउटपुट फाइंडिंग क्वेश्चन जो है वो कई वैरायटी के हैं, जिसमें इफ एल्स भी यूज होगा, उसमें लूप भी यूज होगा, उसमें स्ट्रिंग कंसेप्ट भी यूज होगा, लिस्ट भी यूज होगा. तो इस तरीके से कई तरह के कंसेप्ट ओवरऑल प्रोग्रामिंग के यूज होते हैं, तब जाके आउटपुट फाइंडिंग क्वेश्चन परफेक्टली सॉल्व होता है. आज हमारा टारगेट ये है कि हम रिविजन 2 चैप्टर में है अभी, तो लूप पढ़ा है हमने अभी, इफ एल्स को देखा है. क्लास 11 का जो हमारा बेस है उसके बेसिस पर कुछ प्राइमरी लेवल के आउटपुट फाइंडिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है बेटा, कितना भी सिंपल क्वेश्चन हो या कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, मैं इस क्वेश्चन को स्पेशली क्योंकि एक एक्सपीरियंस ये रहा है, ये स्टूडेंट ज्यादातर इसमें मिस्टेक कर जाते हैं, सिली मिस्टेक ज्यादा होती है और आउटपुट गलत निकाल कर आ जाते हैं. तो किस तरीके से सॉल्व करना है ये देख लें. एक सामने क्वेश्चन है, फाइंड आउटपुट ऑफ फॉलोइंग एक्स इक्वल 20, एक्स इक्वल एक्स प्लस 5, एक्स इक्वल एक्स माइनस 10. ये जो भी कोड जब सामने आएगा, आउटपुट फाइंडिंग क्वेश्चन को सॉल्व करने की सबसे पहली जरूरी बात वही है, आप कोड को पहली लाइन से शुरू करें, एक के बाद एक सारी लाइन को गो थ्रू करें. नंबर वन. नंबर टू, इसका आउटपुट निकालने में जितने वेरिएबल आपको पूरे कोड में दिखाई दे रहे हैं वो सारे वेरिएबल को एक टेबुलर फॉर्म में अपने साइड में रफ वर्क में नोट कर ले, और हर लाइन की वजह से उन वेरिएबल में जो जो चेंजेस हुए हैं उन चेंजेस को आप अपडेट करते जाए. एक बार चेक करने के लिए प्लीज, मेरे अभी 19 व्यूअर हैं यहाँ पर, 20 केवल, उन्हीं से मैं चाहूंगा. आवाज मेरी ऑडिबल है तो प्लीज यस टाइप करें कमेंट में, यदि मेरी आवाज आपको सुनाई दे पा रही है तो यस टाइप करें प्लीज कमेंट में. ओके, तो इस क्वेश्चन के पहली लाइन में x इक्वल 20, मैंने रफ वर्क में साइड में नोट कर लिया, x इक्वल 20, इनिशियल वैल्यू x की 20 असाइन की हुई. हमको इस पूरे कोड का आउटपुट निकालना क्या होगा. नेक्स्ट लाइन में चेंज हुआ है x इक्वल x प्लस 5. चेंज किस वेरिएबल में हुआ है, जिसमें असाइन होता उसी में चेंज माना जाएगा. ये याद रखें कि x इक्वल x प्लस 5 चेंज किस वेरिएबल में हो रहा है, x में. तो हमने x की वैल्यू अपडेट कर ली, x की वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू है 20, 20 में 5 ऐड होकर अब x बन चुका है 25. ये देखिए साइड में हमने अपडेटेड वैल्यू लिख ली. एग्जाम में इतनी फॉर्मेलिटी के साथ पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको नोट करना पड़ेगा अपडेटेड वैल्यू, ताकि
किसी भी पॉइंट पर उस वेरिएबल की वैल्यू क्या है आपको पता होना चाहिए। तीसरी लाइन पर आ रहा हूं मैं, एक्स इक्वल एक्स माइनस टेन, अभी भी चेंज किस में होने जा रहा है, अभी भी एक्स में ही चेंज होने जा रहा है और एक्स की वैल्यू 10 रिड्यूस हो रही है। अब प्रेजेंट वैल्यू एक्स का कितना है, प्रेजेंट वैल्यू 25 है। 25 कहां से पता लगा, प्रीवियस स्टेटमेंट में हमने चेंज नोट किया हुआ था, उसी को अपडेटेड वैल्यू वही यूज करना। 25 माइनस 10, अब एक्स का वैल्यू हो गया, अब एक्स का वैल्यू हो चुका है 15। आगे बढ़ रहा है, यहां पर इस लाइन पर इस पॉइंट पर आया एक प्रिंट स्टेटमेंट, एग्जामिनर को इन्हीं से आपका फाइनल आंसर पूछा गया। आउटपुट ऑफ फॉलोइंग, आपको ये नहीं पूछा गया इन वेरिएबल की वैल्यू क्या चेंज हुई है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन बनेगी कि इस पॉइंट पर एक्स की वैल्यू स्क्रीन पर प्रिंट करवाना है। तो आउटपुट स्क्रीन साइड में आप जरूर नोट कर लीजिए, मेंशन कर लीजिएगा अपनी जब एग्जाम में सॉल्व कर रहे हो कि अभी हमको आउटपुट प्रिपेयर करना है, तो एक साइड में बॉक्स बना लीजिए, बॉक्स में मेंशन कर दीजिए अभी प्रिंट एक्स का इफेक्ट क्या हुआ, एक्स की प्रेजेंट वैल्यू 15 शो हो जाएगी। अब जब भी नेक्स्ट प्रिंट एग्जीक्यूट होगा, जो भी प्रिंट होना होगा वो उसकी नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा, ये भी ध्यान रहे, क्योंकि जब एक बार प्रिंट एग्जीक्यूट होता है तो उसके बाद लाइन चेंज हो जाता है। तो फिर एक्स कॉमा वाई इक्वल एक्स माइनस वन कॉमा 50, मैं आ गया हूं इस लाइन पर, एक्स कॉमा वाई इक्वल एक्स माइनस वन कॉमा 50, ये है मल्टीपल असाइनमेंट पाइथन जिसको अलाउ करता है। इसमें रूल क्या है, पहला वेरिएबल लेफ्ट साइड का जो है उसकी वैल्यू एलएचएस के भी पहले वेरिएबल में, दूसरी वैल्यू आरएचएस की एलएचएस के दूसरे वेरिएबल में असाइन होगी। तो पहले असाइनमेंट एक्स माइनस वन प्रेजेंट वैल्यू क्या है, एक्स का प्रेजेंट वैल्यू है 15, 15 में से एक माइनस होकर 14 असाइन होने जा रहा है एक्स में, और एक्स की नई वैल्यू बनने जा रही है 14, ये चेंज भी नोट कर लिया, एक्स की वैल्यू हो गई प्रेजेंट वैल्यू हो गई 14। वाई में डायरेक्ट असाइनमेंट है 50 वैल्यू का, वाई में असाइन कर दिया 50। अब वाई एक दूसरा वेरिएबल है ना, तो उसको साइड में मैंने नोट किया हुआ, इधर वाई की वैल्यू हो गई 50, एक्स में हो गया 14, वाई में हो गया 50। आगे नेक्स्ट लाइन पर आया प्रिंट स्टेटमेंट, प्रिंट स्टेटमेंट आया मतलब यही हमारा आंसर, तो एग्जामिनर को इसी से मतलब होता है कि आपने फाइनल आउटपुट क्या लिखा, वो पूरा ये टेबुलर फॉर्म को नहीं चेक करा जाएगा, चेक किया जाएगा आपका फाइनल आउटपुट क्या है। तो आपने फाइनल आउटपुट अब प्रिंट करने जा रहे हैं, आपका फाइनल आउटपुट आ रहा है 14 स्पेस 50, फाइनल आउटपुट विल बी 14 स्पेस 50। किसी को डाउट होगा, कॉमा नहीं लगाया, तो बेटा कॉमा यहाँ पर वेरिएबल सेपरेटर का काम कर रहा है, पंक्चुएटर का, ये कॉमा इन्वर्टेड कोट्स में नहीं है, इन्वर्टेड कोट्स में होता तो फिर वो भी आउटपुट में डिस्प्ले होता, और फिर उसके लिए भी हमको कुछ एक्स्ट्रा कॉमर्स लगाने होते हैं। तो ध्यान रहे फाइनल आउटपुट विल बी 15, नेक्स्ट लाइन में 14 स्पेस 50, तो ये हमारा आंसर होगा इस कोड का। ओके, अभी और कुछ स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं, उनको मैं बता दूं कि हमने जो क्लास शुरू की है कल की क्लास का कंटिन्यूशन है, कल एरर फाइंडिंग के क्वेश्चन किए थे जो पूरे नहीं हुआ थे, जो एरर फाइंडिंग और आउटपुट फाइंडिंग के क्वेश्चन शुरू किए थे, आज उसी का सेकंड पार्ट आउटपुट फाइंडिंग क्वेश्चन करने जा रहे हैं, और अभी हमने एक ही क्वेश्चन सॉल्व किया है आउटपुट फाइंडिंग का, ठीक है। अभी आउटपुट फाइंडिंग के क्वेश्चन में अभी एक सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व किया है जिसका आंसर आ चुका है 15, 14, 50, और बाद में भी आप वीडियो को रिवाइंड करके देख पाएंगे इस क्वेश्चन के लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जा रहे हैं हम लोग। हाँ बेटा, ये है एक लूप बेस्ड क्वेश्चन, इसमें भी काफी गलत होने के चांसेस होते हैं, मेरे को लास्ट क्लास में किसी ने पूछा था नेस्टेड लूप भी बताइएगा, तो बेटा इसमें नेस्टेड लूप भी आ पाएगा और साथ में हमको इस कोड का आउटपुट भी निकालना है, यहाँ एक नेस्टेड लूप यूज होने जा रहा है। देखिए कोड में एक फॉर लूप है, फॉर ए इन रेंज 3,10,3, फॉर बी इन रेंज 1,A,2, उसके अंदर फिर लूप अंदर वाले लूप के अंदर यूज हो रहा है प्रिंट बी कॉमा एंड इक्वल,
और फिर एक प्रिंट ब्लैंक स्टेटमेंट है। मैं आपको बता दूं, यहां लूप के अंदर लूप यूज हो रहा है, मतलब ये केस है नेस्टेड लूप का। व्हेन एवर वी यूज अ लूप इनसाइड अनदर लूप देन इट इज कॉल्ड अननेस्टेड लूप। और लूप के अंदर लूप का मतलब क्या है? सिंपल सा मतलब है, एक बार ध्यान से समझ लीजिए। जिन लोगों ने नेस्टेड लूप में कंफ्यूजन रहा है 11th क्लास में, उनके लिए जरूरी है भी ये समझना कि जब लूप के अंदर लूप यूज होता है तो आउटर वेरिएबल के लूप वेरिएबल की हर वैल्यू के लिए अंदर वाले लूप का लूप वेरिएबल की पूरा साइकिल कंप्लीट होता है। व्हेनेवर वी यूज अ नेस्टेड लूप देन फॉर ईच वैल्यू ऑफ आउटर वेरिएबल लूप अ कंप्लीट साइकिल इज एग्जीक्यूटेड फॉर इनर लूप। आउटर लूप की हर वैल्यू के लिए इनर का कंप्लीट साइकिल होने वाला है। तो इस बात का मतलब क्या? इस बात का मतलब पार्ट पार्ट में निकालते हैं। पहली लाइन पढ़िए, फॉर ए इन रेंज 3,10,3, स्टार्ट होना है 3 से, लूप रन होना है 10-1 तक, क्योंकि रेंज फंक्शन है ये, तो एक कम होगा तो 3 से 9 तक, और इसमें स्टेप साइज होगा, इसमें स्टेप साइज होगा 3 का। तो स्टेप साइज 3 का होगा मतलब पहली वैल्यू 3, दूसरी वैल्यू 6, तीसरी वैल्यू 9। 3, 6 और 9, ये मैंने साइड में एक की पॉसिबल वैल्यू मेंशन की है, पर ये इतनी जल्दी नहीं हो जाएगी कि 3 और उसके बाद 6 और उसके बाद 9। ये लूप के अंदर लूप का कमाल यहां पे देखिए, ए की वैल्यू 3 होगी जब उसके लिए बी का कंप्लीट साइकिल रन होगा स्टार्ट फ्रॉम 1 से लेके 3-1 तक, और स्टेप साइज 2 लेकर। क्या समझे इसका मतलब? इसका मतलब ये, इधर समझिए, इधर टेबल में देखिए, ए की वैल्यू 3 के लिए बी की स्टार्ट वैल्यू होगी 1 से, कहां तक? ए माइनस 1 तक। एट प्रेजेंट में ये क्या है? 3, तो 3-1 2, तो 2 तक, और स्टेप साइज कितना है? 2 का, तो 1 से स्टेप साइज एक भी आगे बढ़े तो 3 निकल जाएंगे, हम आगे हो जाएंगे, तो इसलिए ये लूप एक ही बार रन होगा, एक ये लूप रन होगा एक ही बार, मतलब 1 से लेके 3-1 2 तक जाना है, और स्टेप साइज भी लेना है 2 का, तो फर्स्ट वैल्यू तो 1 हैगी, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू प्लस 2 करने पर क्या आ रही है? 3 हो रही है, जो कि इसकी अपर लिमिट u-1 को क्रॉस कर रही है। तो लूप का रन एग्जीक्यूशन एक ही बार होगा, आउटपुट में कितनी वैल्यू रहेगी? वैल्यू रहेगी b का 1। उसके बाद प्रिंट b कॉमा एंड इक्वल, इस लूप का एक एग्जीक्यूशन हुआ तो इसलिए b की वैल्यू ये एक ही बार प्रिंट होगी, मतलब आउटपुट स्क्रीन में क्या आएगा? आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट होगा सिर्फ 1। थोड़ा सा पहली बार जो लोग ध्यान से देख रहे हैं नेस्टेड लूप, जिन्होंने 11 में नहीं किया था, ये कंफ्यूज करता है टॉपिक, पर इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल है बेटा। अभी आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट हो गया 1, और ये लाइन चेंज क्यों किया मैंने? क्योंकि ये लूप कंप्लीट हो गया, 1 से लेके a-1 तक का एक साइकिल कंप्लीट हो गया, और लूप के बाहर आएंगे तो एक लाइन चेंज हो जाएगा। प्रिंट ब्लैंक का मतलब क्या है? जस्ट एक ब्लैंक लाइन चेंज। फिर उसके बाद ए इन रेंज 3,10,3 वाला जो लूप की सेकंड वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू के लिए कंप्लीट कर लिया, ए इक्वल 3 के लिए टास्क फिनिश, अब ए की वैल्यू 6, ए की वैल्यू 6 के लिए फिर बी का कंप्लीट साइकिल होगा। अब आपको समझ में आएगा कंप्लीट साइकिल का मतलब क्या। फॉर वैल्यू ऑफ ए 6, बी इन रेंज 1,2,6-1 मीन्स 5, तो 1 से 5 तक जाना है स्टेप साइज 2 लेकर। तो 1 से 5 तक स्टेप साइज 2 का मतलब कितनी पॉसिबल वैल्यू? 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 1+2 3, 3+2 5, बी की 3 पॉसिबल वैल्यूज बन रही है फॉर बी इन रेंज के लिए। तो 3 पॉसिबल वैल्यू बन रही है मतलब इसके अंदर की प्रिंट लाइन 3 बार एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि लूप 3 बार रन हो पाएगा। तो यहां पर प्रिंट बी
तीन बार प्रिंट होगा, पहली बार फर्स्ट वैल्यू वन, फिर दूसरी बार थ्री, तीसरी बार फाइव। और ये तीनों एक ही लाइन में क्यों प्रिंट होंगे? क्योंकि ये साइड में यूज हुआ है एंड इक्वल, ये सेम लाइन में प्रिंट करने के लिए हमको यूज करते हैं हम लोग एंड इक्वल, जैसा 11th क्लास में यूज करता रहे। कंटिन्यूशन में यदि लाइन कंटिन्यूशन में प्रिंटिंग करवाना है देन वी यूज एंड इक्वल। यदि ये नहीं होता एंड इक्वल, सिर्फ प्रिंट भी होता तो ये वन के नीचे थ्री, थ्री के नीचे फाइव हो जाता, क्योंकि हर सेपरेट प्रिंट स्टेटमेंट एक सेपरेट लाइन में प्रिंट करता है। तो प्रिंट बी एंड इक्वल मतलब टू कंटिन्यू योर प्रिंट आउटपुट विच इज टू बी प्रिंट इन सेम लाइन। एंड इक्वल का पर्पस यही है, इस वजह से यहां पर ये एंड इक्वल की वजह से सेम लाइन में वन थ्री फाइव प्रिंट हुआ। क्लियर? अब उसके बाद नेक्स्ट लाइन, तीसरा एग्जीक्यूशन पर जा रहे हैं हम। थ्री सिक्स के बाद नाइन, थर्ड वैल्यू नाइन, ए का थर्ड वैल्यू है नाइन। नाइन के लिए फॉर ए नेम, ठीक है, लूप के अंदर क्या क्या हुआ? ए की, फिर से मैं बता दूं, ए की वैल्यू 369 होना थी। थ्री के लिए दो टास्क हुए, एक कंप्लीट साइकिल और एक लाइन चेंज। फिर ए की सिक्स वैल्यू के लिए फिर से एक कंप्लीट साइकिल फॉर बी लूप का और लाइन चेंज। अब तीसरी स्टेप पर जा रहे हैं, ए की थर्ड वैल्यू नाइन के लिए, तीसरी वैल्यू ए की नाइन के लिए, ये बी का फिर कंप्लीट साइकिल होगा और एक लाइन चेंज होगा। तो यहां पर नाइन वैल्यू है ए का, उसके लिए बी लूप डिसाइड करें कितना हो रहा है, वन से लेके नाइन माइनस वन एट तक, और स्टेप साइज टू का। तो बी की पॉसिबल वैल्यू क्या हो गई, वन थ्री फाइव सेवन। तो ये तीनों वैल्यू जब प्रिंट बी की वजह से प्रिंट होंगी सेम लाइन में, तो इनकी वजह से आउटपुट बन जाएगा वन थ्री फाइव सेवन, वन थ्री फाइव सेवन, क्योंकि है नाइन, तो नाइन माइनस वन, ए का वैल्यू यहां पर यदि हम पुट करते हैं, ए का वैल्यू नाइन, नाइन माइनस वन एट, तो एट के लिए वन थ्री फाइव सेवन होगा, एट प्लस टू टेन हो जाएगा, तो नाइन की लिमिट तो क्रॉस हो जाएगी, इसलिए आउटपुट होगा वन थ्री फाइव सेवन, और उसके बाद एक लाइन चेंज। तो देयर फॉर फाइनल आउटपुट विल बी वन वन थ्री फाइव वन थ्री फाइव सेवन। क्लियर? ये एक नेस्टेड लूप का आउटपुट फाइंडिंग क्वेश्चन है। बेटा एग्जाम में इतना टाइम तो नहीं लगाना वैसे सॉल्व करने में, ये सब प्रैक्टिस बेस्ड है, मैं पूरी डिटेल के साथ इसको रन करके बताऊं इसलिए इतना टाइम हो रहा है। आपको एग्जाम में इसको जल्दी करना होगा, ठीक है? ओके, अभी मैं कुछ डाउट चेक कर रहा हूँ। यस अंकित, आई हैव डाउट व्हाई वी प्रिंट। हाँ अंकित को मैं बता दूं, ये प्रिंट ब्लैंक का मतलब ये है बेटा कि इससे लाइन चेंज हो रही है। यदि सपोज ये नहीं होता, मैं इसको हटा देता हूं, यदि सपोज ये नहीं होता तो आउटपुट में क्या डिफरेंस हो जाता आपको समझ में आ जाएगा इसके ना होने का। यहां पर यदि ये आउटपुट में नहीं होता तो उस केस में, यदि ये कोड ऐसा होता तो उस केस में आउटपुट हमको जो मिलता वो वन, वन के बाद ये जो नेक्स्ट लाइन में ना होते हुए ये कंटिन्यूशन में आ जाता, और उसके बाद ये भी इसके कंटिन्यूशन में आ जाता। प्रिंट ब्लैंक लाइन की ये जरूरत है यहां पर कि एक आउटर लूप की वैल्यू के बाद हम एक लाइन चेंज चाह रहे थे, इस वजह से हमने प्रिंट ब्लैंक यूज किया हुआ है। ठीक है, तो अंकित को जहां तक मेरा डाउट क्लियर होगा, किसी और को इसमें डाउट हो तो प्लीज बता दीजिएगा कमेंट में। ओके, तो लाइन चेंज करने के लिए प्रिंट होता है। ओके, अब आगे जा रहे हैं, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा आउटपुट फाइंडिंग को ही आगे बढ़ाते हुए। हाँ अश्विनी इसमें लिख रहे हैं, इसको ट्रायंगल फॉर्म में कैसे प्रिंट करते हैं, मतलब आप पिरामिड वाले क्वेश्चन पर आ गए बेटा। तो यदि हमको ट्रायंगल फॉर्म में यदि प्रिंट करना होता तो मैं इसका कोड यहीं पर थोड़ा सा टाइप कर देता हूँ यहाँ पर।
यदि ट्रायंगल फॉर्म में इसको प्रिंट करना होता तो इस कोड में थोड़ा सा एक और एडिशन करना होता स्पेसिंग का। देखिए मैं आपके सामने ये लिख रहा हूँ, फॉर ए इन रेंज, या एक सिंपल सा क्वेश्चन ही दूसरा सॉल्व कर देता हूँ ताकि आपको ट्रायंगल और पिरामिड जो लास्ट टाइम के डाउट थे वो भी सॉल्व हो जाए। फॉर ए इन रेंज एक सिंपल सा क्वेश्चन देख लीजिए, 1,5,1, 1 लिखने की जरूरत नहीं पर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर स्टेप साइज के लिए, और ये ऑटो केस है इसको कंसिडर कीजिएगा। दूसरी बात फॉर बी इन रेंज 1,5 के बाद मैं चाहता हूं कि एक ट्राइंगल बनाना है 5 लाइन का, तो 5 लाइन का एक ट्राइंगल स्टार्ट का ही बना लेते हैं ताकि आपको जल्दी से लॉजिक समझ में आ जाए, नंबर का कंफ्यूजन ना हो। तो 1,5,1 ये आउटर लाइन लाइंस काउंट करने के लिए होगी। अब इनर लाइन में हमको पहले एक चीज मैं बता दूं कि ट्राइंगल जो है, ट्राइंगल के लिए लॉजिक क्या है वो जो अप्लाई करने जा रहा हूं मैं, वो देख लीजिए पहले यहाँ पर, जिसको भी ट्राइंगल टाइप की, क्योंकि ये पिरामिड वाली प्रॉब्लम वगैरह भी आपको आना चाहिए। यहाँ पर एक ट्राइंगल जब बनता है एक स्टार, सेकेंड लाइन में 3 स्टार होते हैं, फिर उसके नेक्स्ट लाइन में 5 स्टार होंगे, उसके आगे 7 स्टार होंगे, फिर चार लाइन का स्टार सामने जैसे है। तो 4 लाइन के स्टार में देखो अभी आप लॉजिक क्या है, प्रोग्रामिंग सॉल्यूशन वही संभव है जहां यूनिफॉर्मिटी होती है, यहाँ कोई अदरवाइज हमको सेपरेट सेपरेट करना होता है, तो यहाँ यूनिफॉर्मिटी है एक ट्रायंगल का स्टार जो सामने दिख रहा है। अभी इसमें 4 लाइन है, तो 4 लाइनों के लिए, 4 लाइनों के लिए हमको लूप तो रन कर रहे हैं 1 to 5, ऑटोमेटिकली 4 लाइनें बन पाएंगी इससे। अब लाइन में लॉजिक ये है, लाइन नंबर 1, फिर लाइन नंबर 2, फिर लाइन नंबर 3 और फिर लाइन नंबर 4, इनमें आपको ये ध्यान देना है। मैं इसलिए ज्यादा एक्सप्लेन करके रख रहा हूं ताकि आपको किसी भी तरीके का फिर लॉजिक आए तो आप खुद बना पाए, इसलिए डिटेल में लिख रहा हूं यहाँ पर बेटा ताकि हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। लाइन नंबर 1 में नंबर ऑफ स्टार कितने हैं बेटा, नंबर ऑफ स्टार है 1, फिर स्पेसेस को भी देखना है। यहां पर लाइन नंबर 1 में नंबर ऑफ स्टार जो है 1 है, पर आपने ध्यान दिया होगा कि ये गैप किससे बना है, ये स्पेसेस से बना है। तो पहली लाइन में पहले 3 स्पेस आए फिर स्टार प्रिंट हुआ, तो उसकी पोजीशन ऐसी मिली आपको, तो आपको इसका ध्यान रखना है बस कि यहां पर पहली लाइन में पहले 3 स्पेस देना है, उसके बाद एक स्टार प्रिंट करवाना है। फिर उसके बाद सेकेंड लाइन के लिए 2 स्पेस और स्टार कितने हैं 3, फिर ये आपको यदि यहां पे विजिबल नहीं हो तो मैं यहां पे इसको स्पेसेस को दिखाने के लिए डैश लगा रहा हूं। फर्स्ट लाइन में 4 स्पेस और स्टार 1, सेकेंड लाइन में कितने स्पेस है 3 स्पेस है, फिर 3 स्पेस है और 3 स्टार। लाइन 3 में कितने स्पेस है, स्टार है आपको दिख रहे 3, 3 to 5, 5 स्टार और स्पेस कितने हो गए, स्पेस हो गए यहां पर 2, फिर यहां पर देखिए 2 स्पेस बन रहे हैं। और उसके बाद 7 स्टार और 1 स्पेस, वैसे ये 1 स्पेस की भी जरूरत नहीं पड़ती, यदि आप बिल्कुल वहां से भी करेंगे तो 0, 1 स्पेस छोड़कर भी ये ट्राइंगल का शेप पा सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं।
तो ये स्पेस की इंपॉर्टेंस काफी है जो स्टार्टिंग में प्रिंट हो रहा है। ये स्पेस की इंपॉर्टेंस की वजह से ये पूरा शेप दिख रहा है सर। हाँ, तो हर लाइन के लिए नंबर ऑफ स्पेस और स्टार के बेसिस पे इनर लूप रन करना है। स्टार स्पेस तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक दिख रहा है आपको यहाँ पे कि लाइन नंबर 1 में 3 टाइम लूप रन करना है स्पेस का, फिर लाइन नंबर 2 में 2 टाइम स्पेस का लूप रन करना है, फिर लाइन नंबर 3 में स्पेस के लिए लूप रन करना है 1, और लाइन नंबर 4 में 0 स्पेस चाहिए। मतलब जो लाइन नंबर है उसमें स्पेस डिक्रीज होते जा रहा है और स्टार इंक्रीज होते जा रहा है। तो इसके लिए यूनिफॉर्म वे क्या रहेगा, फॉर ए इन रेंज 1,5,1, ये तो लाइन नंबर काउंटिंग का लूप हो गया, आउटर लूप। जब ए की वैल्यू 1 रहेगी तो फर्स्ट लाइन प्रिपेयर करना है, फिर बी ए की वैल्यू 2 पर, सेकंड लाइन ए की वैल्यू 3 पर, थर्ड लाइन, ऐसा हमको प्रिपेयर करना है। हर लाइन में हमको 3 टास्क करने हैं, क्या क्या, एक तो स्पेस प्रिंटिंग, फिर स्टार प्रिंटिंग, और फिर एक लाइन चेंज। तो ये स्टार स्पेस और लाइन चेंज कैसे होगा, पहले स्पेस पर ध्यान दें। फॉर बी इन रेंज कहां से शुरू करें हम, तो यहां पर रिड्यूस करते जाना है, रिड्यूस मतलब नंबर ऑफ स्पेस रिड्यूस होते जाना है। तो कैसे होगा, कोई